जैसा कि स्वामी जी अभी आपने बताया कि योग निद्रा काफी साधना करने के बाद में जिस स्थिति में कोई साधक पहुंचता है योग निद्रा वो स्थिति है। तो जैसे कुछ ऐसे भी लोगों के कोर्स आते हैं जिन्होंने पहले कभी इतनी साधना की नहीं है, तो क्या ऐसे लोग जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर रहे हैं तो क्या उनके लिए योग निद्रा से अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर सकते हैं? देखो, पहले कुछ बातें समझते हैं रसिक जी। रही बात यात्रा की और आध्यात्मिक यात्रा की, आध्यात्मिक यात्रा का जो शब्द है वो बहुत भ्रांति पैदा करता है। वो भ्रांति ये पैदा करता है कि हम योग निद्रा के माध्यम से बुद्धत्व पाते हैं। मैं ऐसी किसी भ्रांति में आपको डालना नहीं चाहता। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो आपके अवचेतन में जगा हुआ है, जैसे ही वो जो जन्म का कारण बना आपके, जैसे ही अवचेतन जागेगा तो वो सबसे पहले अपनी जो आपकी अतृप्त उसकी इच्छाएं थी उनको पूर्ति करने की ओर बढ़ेगा। तो ऐसे हालत में क्या होता है कि वो आपके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करता है। तो चाहे नया साधक हो चाहे पुराना साधक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी हो, योग निद्रा करके सबको ही फायदे होते हैं, बल्कि नए साधक को ज्यादा फायदे होते हैं क्योंकि उसके पास अभी बहुत तरीके के विचार प्रवेश नहीं किए होते। और जैसे ही ज्यादा विचार किसी के अंदर होते हैं उसके अंदर लालच और भय सभी तरीके की चीजें उत्पन्न हो चुकी होती हैं, और लालच और भय मन के ही दो हथियार हैं जो आगे चल के बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो चाहे किसी भी स्तर का साधक हो, चाहे उसने बहुत साधनाएं की हो और जीवन में कोई भी ध्यान की झलक ना पाई हो, उसके लिए भी, और जो स्टार्ट कर रहा है इनिशियली, जिसने अभी ही इसको स्टार्ट किया है, उसके लिए दोनों के लिए ही फायदेमंद है। इसमें किसी को नुकसान नहीं है। लेकिन तुम्हारे प्रश्न को थोड़ा सा मैं सुधार दे देता हूं। प्रश्न का सुधार ये है, प्रश्न ये होना चाहिए था कि किस प्रकार के साधकों के लिए ये अच्छा है। अब किस प्रकार की जब बात होती तो धर्म में आपको मालूम होगा भक्ति योग होता है, ज्ञान योग होता है, कर्म योग होता है, बहुत तरीके के योग हैं, तंत्र योग है, तो ऐसे कितने तरीके की साधनाएं हैं। तो प्रश्न असली ये बनता है कि किस तरीके की साधना वाले के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि तंत्र की साधना अलग है, भक्ति की साधना अलग है, योग की साधना बिल्कुल डिफरेंट है। अगर योग करने वाले को आप तंत्र की साधना कराइए तो वो भटका भटक जाएगा, तंत्र की साधना करने वाले को योग के आयाम में ले जाइए तो वो भटका हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये साधना जिसको मैं योग निद्रा कहता हूं, ये योग निद्रा सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम इसलिए कि यदि कोई व्यक्ति योगी है, योग की साधना करता है, इसका अर्थ है कि वो संकल्पवान चित्त लेके पैदा हुआ है। हम सब जो चित्त लेके पैदा हुए होते हैं वही चित्त हम आगे विस्तार करके उसको बेहतर ढंग से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो संकल्प का चित्त लेके आदमी पैदा होता है, इसलिए संकल्पवान के लिए योग का मार्ग है। कोई लोग स्वीकार का चित्त लेके पैदा हुए होते हैं, ऐसे लोगों के लिए तंत्र का मार्ग है, और दोनों ही मार्गों से चलने बाद जब कोई व्यक्ति तंत्र की ऊंचाइयों को पाता है तब योग निद्रा घटती है। जब कोई व्यक्ति योग की ऊंचाइयों को पाता है तब योग निद्रा घटती है, और घटती इसलिए है क्योंकि हमारे जन्म से पहले की एक अवस्था होती है और वो होती है मां के गर्भ की अवस्था। कोई भी हो, किसी भी प्रकार का चित्त लेके जन्मा हो, लेकिन वो मां के गर्भ में ही जन्मा होगा। मां के गर्भ में हम 9 महीने उसी योग निद्रा में बिताते हैं। और ध्यान के संबंध में ध्यान रखिए, ध्यान अचीवमेंट नहीं है, ध्यान है प्री रिमेम्बरिंग। जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ मेले में खो जाए, तो मेले में वो जो खोएगा, तो खोने की स्थिति में यदि वो छोटा बच्चा अपनी माँ को ढूंढने का प्रयास करता है, माँ बच्चे को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो बहुत भटका हो जाएगा। जरूरी नहीं है वो उस मेले में अपने माँ को ढूंढ पाए या माँ बच्चे को ढूंढ पाए, भटकाव बढ़ता जाएगा क्योंकि मेला बड़ा है और जहां पे खोए थे वहां पे हम नहीं खड़े।
तो बच्चे अगर कहीं खो जाए माँ से तो सबसे सरल तरीका होता है कि जहां पे खोए हैं वहीं पे खड़े रहें, माँ एक दिन भूल के वहां पहुंच जाती है। सबसे सरल तरीका। उसी तरीके से हम अपनी जो हमारी कॉन्शियस है उससे जुड़े होते हैं माँ के गर्भ के अंदर। माँ के गर्भ के अंदर से जैसे बाहर आते तो समझ लो बिछड़ना शुरू हो जाते हैं। माँ के गर्भ में हम वहीं थे जहां पे हमारी माँ की उंगली हमारे हाथ में थी। तो जब कोई व्यक्ति फिर से उसी अवस्था में इतना शांत हो जाता है जितना माँ के गर्भ की अवस्था में है, तो अचानक ही परमात्मा का आशीष उसे प्राप्त होता है। वही योग मिलता की स्थिति जहां पे परमात्मा का आशीष तुम्हें मिला, माँ की उंगली तुम्हारे साथ में है और हटकाओ की कोई बात नहीं। तो चाहे तंत्र से चलो तभी तुम्हें वहां पहुंचना है जहां माँ की उंगली छोड़ी थी, चाहे योग से चलो तभी तुम्हें वही पहुंचना है जहां माँ की उंगली छोड़ी थी, और यदि सीधे तुम योग निद्रा से चलो तो कमाल की बात यह है कि सीधे ही तुम वहां होते हो जहां से तुमने माँ की उंगली छोड़ी थी। तो ये एक बहुत अद्भुत यात्रा है, और चाहे तंत्र का योगी हो चाहे योग करने वाला साधना करने वाला व्यक्ति हो, कोई भी हो, चाहे भक्ति मार्ग भी हो, सभी व्यक्तियों को योग निद्रा घटता है। और योग निद्रा एकमात्र ऐसी स्थिति या विधि जो भी आप कहना पसंद करें वो है जो 100% लोगों पे इंप्लीमेंट हो सकती। विपस्सना 100% लोगों के काम में नहीं आएगा, डायनेमिक 100% लोगों के काम में नहीं आएगा, भक्ति कीर्तन 100% लोगों के काम में नहीं आएगा, मोहम्मद साहब की सजदा 100% लोगों के काम में नहीं आएगी, लेकिन योग निद्रा 100% लोगों के काम में आएगी। क्योंकि तुम्हारे किसी भी प्रकार का तुम्हारा व्यवहार हो, किसी भी प्रकार का तुम्हारा स्वभाव हो, अंतोगत्ता माँ के पेट की स्थिति से तुम गुजरे हो, 9 महीने माँ के गर्भ में तुमने बिताए हैं, और वो बिताए हुए समय तुम्हें इस योग बनाते हैं कि योग निद्रा के तुम अधिकारी बनो। इसलिए योग निद्रा सबके लिए है, सर्वोत्तम है, सहज है। आधुनिक युग में जिनके पास बहुत कम समय है उनके लिए तो ये रामबाण कह सकता हूँ। तो आपका जो प्रश्न है बहुत बेहतर है, लेकिन ये सभी के लिए काम में आने का है। जैसे कि स्वामी जी अभी आपने बताया कि अतृप्त इच्छाओं की वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं, तो और आपने कहा कि योग निद्रा से हम हमारे अवचेतन मन से जुड़ जाते हैं, तो हमारे जो अतृप्त इच्छाएं हैं क्या वो अवचेतन मन से जुड़ने पे खत्म हो जाती हैं, या योग निद्रा करने वाले की अतृप्त इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, कैसे खत्म होंगी, उसके इस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ, ये प्रश्न तुम्हारा मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि साधक जब साधना आरंभ करता है तो उसके पास कुछ छोटे छोटे प्रश्न बहुत गंभीर रूप में शामिल होते हैं। जैसे अगर मैं साधना करूंगा क्या मेरा परिवार छूट जाएगा, क्योंकि भले ही हमारे जन्म का कारण कुछ और हो लेकिन जो हम जी लिए हैं वो भी तो हम कारणों में जुड़ गए हैं, तो वो आपको उसको छोड़ना नहीं चाहता। हम अपना परिवार नहीं छोड़ना चाहते, हम अपनी और स्थितियों को नहीं छोड़ना चाहते, और ये भी चाहते हैं कि हमारी आत्मिक उन्नति हो। तो आपका प्रश्न यहाँ बहुत ही अच्छा हो जाता है, मैं इस बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा। आजकल बहुत सारे लोग एक खास तरीके के वीडियो देख के बड़े आंदोलित हैं, खासकर युवा लोग। वो कुछ मुझे उनके नाम नहीं याद आते, लेकिन ऐसे ही कुछ 10 सीक्रेट करके हैं वीडियो। एक बार एक मुझे भी दिखाने की कोशिश की थी, मुझे बस बच्चों की तरह हंसी आई। वो आजकल सीक्रेट्स की तरह दिखा रहे हैं 10 सीक्रेट में कि आप जो भी चाहते हो वो आप पूरा कर सकते हो, आप सिर्फ अपनी चाह को मजबूत करो। मैं अभी एक हिप्नोसिस के सम्मेलन में भी गया था, वहां पे भी एक महिला आई हुई थी और हिप्नोसिस की बड़ी बड़ी बातें बता रही थी, और वो कह रही थी सब कुछ हो सकता है लेकिन तुम अपने में संदेह करना बंद करो। बात तो यह है कि हम संदेह करना बंद करें कैसे, वो संदेह ही तो नहीं जाता, वो संदेह हमारा आ जाता है। तो आज के दौरान हजारों लाखों युवक उन वीडियो को देख रहे हैं और उन वीडियो को देख देख के चाहते हैं कि उनके जीवन में सब बातें पूरी हो जाएं,
उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं सब परिपूर्ण हो जाए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं। हजारों लाखों में किसी एक की हो जाती है, जिसकी होती है उसकी विल पहले से मजबूत होती है और वो जाके कहता है कि इससे मुझे फायदा होगा। उसको देख के बहुत से फिर हजारों शुरू हो जाते हैं, फायदा ना भी हो लेकिन उस तरीके के प्रयास में लगे रहते हैं। मैं उन सब लोगों को कहता हूं कि उनके लिए कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो तुम्हें योग निद्रा से गुजरना चाहिए। सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं क्योंकि सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आत्मबल चाहिए और जिसकी आत्मा जागृत है वही परमात्मा से जुड़ सकता है। परमात्मा परम आत्मा उस तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो सीढ़ी है, जो नाव है, वो है आत्मा। जब तक आत्मा ही जागृत नहीं है तो हम परमात्मा की बात भी नहीं कर सकते। और यहां पे मैं परमात्मा की बात बुद्धत्व के लिए नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि जब तुम आत्मिक रूप से संपन्न होते हो तो तुम्हारे पास संदेह नहीं होते, तुम फुलफिल होते हो। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि संदेह हटाओ तो तुम जीवन में सब पा जाओगे। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम संदेह में हो, तुम आओ और योग निद्रा से गुजर के संदेह तुम्हारे स्वयं दूर होते। मैं नहीं कराता। जब तक तुम्हारा अंदर जो तुम्हारे है वो साथ में नहीं है तब तक तुम्हारा संदेह दुनिया का कोई भी व्यक्ति शब्दों से दूर नहीं कर सकता। वो जो अंदर तुम्हारी चेतना है जब तुम उसका साथ पा जाते हो तो तुम्हें कोई भय नहीं लगता। सबसे ज्यादा मनुष्य को दो चीजों में डर लगता है, आपको मालूम है वो क्या है? सबसे पहला डर है अंधेरे का डर। सबसे पहला डर अंधेरे का डर है। कोई भी व्यक्ति अंधेरे में जाने से डरता है। आप अंधेरे में हरे क्योंकि अंधेरा अज्ञात है, हमें पता नहीं। अंधेरे में हम भले ही 10 लोगों के साथ हो लेकिन हम अकेले होते क्योंकि दूसरा दिख नहीं रहा होता। दूसरा डर होता है अकेले बैठने का डर। आदमी को अकेला नहीं बैठा जाता, बड़ी दिक्कत होती। लेकिन हम आपसे कहें कि आपको एक आपका साथी दे देते हैं, आपका प्रेमी दे देते हैं, आप इसके साथ बैठो तो कोई डर नहीं। अंधकार में भी 2 लोग हाथ पकड़ के जाने को कह दूं कोई डर नहीं। लेकिन एक साधक, एक योगी, एक ध्यानी अंधकार में जाने से नहीं डरता, अकेले में बैठने से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई है जो जगा है। वो जो जग गया है वो उसका मित्र है, सबसे बढ़िया मित्र है। तुम्हारा गुरु भी तुम्हारा इतना अच्छा मित्र नहीं हो सकता जितना कि तुम्हारे अंदर से जगा हुआ तुम्हारा कॉन्शियस है। जब मैं कहता हूं जगा हुआ तो कई बार पुरानी धारणाएं भ्रम पैदा करती हैं। लोग समझते हैं कि उनकी तो चेतना जगी हुई, चेतना जगी हुई नहीं। चेतना जगी हुई नहीं है उसकी ये पहचान है। तुम्हारे सामने अपराध होते हैं तो विरोध नहीं कर पाते, तुम्हारे सामने तुम्हारे ही विचारों की हत्याएं चलती हैं और तुम विरोध नहीं करते। तुम्हारे सामने कितना कुछ हो रहा है, तुम्हारे सामने कोई अन्ना आंदोलन कर रहा है, कोई केजरीवाल कुछ कर रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल थोथे कुछ भी नहीं कर पाते। तुम खुद रिश्वत देके ट्रेन में अपनी बुकिंग कराते हो और अन्ना के आंदोलन में बैठते हो। तुम कभी सोचते हो तुम क्या कर रहे हो? इसी तरीके की चीजें आत्महीन व्यक्ति करता है, लेकिन जिसकी आत्मा जगी होती है वो चाहे अन्ना के साथ हो चाहे अकेला हो, दोनों ही स्थितियों में वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। तो जैसे आपने कहा कि यदि आपकी चेतना जगती है तो वो किस ढंग से अपना काम कराएगी, तो सोचो कि तुम एक टैक्सी किराए पर की, टैक्सी किराए पर करके तुमने कहा कि टैक्सी वाले से तुम मुझे ले चलोगे, कहीं तुमने उसे एड्रेस बताया और फिर पीछे तुम सो गए। वो जो तुम सो गए हो और टैक्सी वाला का एड्रेस भी नहीं मालूम है, वो भी भूल गया है, तो वो अपनी मर्जी से खूब लंबा चौड़ा घुमा के बिल बनाएगा। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा बिल तैयार कर देती है तुम्हारी चेतना, पता नहीं क्या क्या तुम कर देते हो जो तुम करने के लिए पहला नहीं। तो वो जो टैक्सी में सो रहा है जिस समय जगता है वो तुरंत ही एकदम कहेगा कहां लेके आए, यहां तो मुझे नहीं आना था, मुझे तो कहीं और जाना था, मुझे वहां लेके चलो। लेकिन वो जो लेके चलो कहता है बस वो इतना ईमानदार है कि टैक्सी वाले का जो इतना समय गुजारा
उस बीच में जो भी यात्राएं की उनका विरोध नहीं करता, उनका अस्वीकार नहीं करता। टैक्सी वाले को जो मीटर में बिल बना, क्योंकि बिल तो सोने के कारण बना था, अगर तुम सोए ना होते तो वो बिल भी नहीं बनता। तो ऐसी स्थिति में जब तुम्हारी चेतना जगती है तो तुमने जीवन में कुछ भी कर लिया हो, कौन तुम्हारे मित्र हो गए, कौन तुम्हारी पत्नी, क्या तुम्हारा व्यवसाय हो गया, वो किसी चीज का विरोध नहीं करता। वो कहता हो गया क्योंकि ये तो उसकी सोई अवस्था में हुआ, लेकिन अब वो जागे, जागने के बाद वो बेहतर करता है। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से भटक कर तुम हरिद्वार पर ना पहुंच सकते हो। हरिद्वार कहीं से भी पहुंचा जा सकता है, हरि का द्वार कहीं से भी, बस कौन से साधन, कौन से वाहन तुम्हें लेने हैं वहां तक जाने के लिए, ये तुम्हारे। कहीं से जहाज का सहयोग लेना पड़ सकता है, कहीं से हवाई जहाज का, कहीं से रेल का, कहीं से बस का, कहीं से कार का, कहीं से पैदल भी जा सकते हो। तो वो जब तुम समझदार होते हो तो तुम चुनाव कर लेते हो। जो भी व्यक्ति योग निद्रा से गुजर के समझदार होता है तो उसकी चेतना, ऐसा नहीं है कि आप पिछली जिंदगी में राजा बनना चाहते थे और इस जिंदगी में जब आपकी चेतना जगेगी तो आप राजा हो जाओ। कई बार भ्रांतियां खड़ी होती है, राजा क्यों होना चाहते थे, जब चेतना जागती है तो वो उनके क्यों के कारणों में भी जाते हैं, और क्यों के कारणों में जाके यदि वो वास्तविक कारण है तो निश्चित ही कई लोगों की जिंदगी में सराउंडिंग में ऐसी सारी चीजें बनने लग जाती हैं कि वो बिना किसी प्रयास के राजा भी होते हैं। मनमोहन सिंह सोच सकते थे कि वो यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, चुनाव भी नहीं जीता कहीं का और प्रधानमंत्री बने बैठे। ये संभव ऐसे होता है जब थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आत्मा जागृत है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मिक सहयोग है, कोई अंदर की चीज है जो सहयोग करती है। इसीलिए लोग अच्छे पद भी पाते हैं, अच्छी पत्नी भी पाते हैं, अच्छा प्रेम भी पाते हैं और बहुत कुछ पाते हैं। दूसरी चीज, यदि चेतना जगती है तो वो निश्चित ही जिस चीज के लिए पैदा हुई है उस चीज की तरफ तुम्हें लेके चलती है, लेकिन तुमने जो कर लिया है उसमें भी वो तुम्हें सहयोग करती है। इसे समझो तो ऐसे जैसे कि तुम्हारी नदी में पानी बह रहा है, अभी नदी में बाढ़ नहीं आई है, कम पानी है, गंदगी ज्यादा हो गई है, कूड़ा कचरे का ढेर भी है, अचानक पीछे से बांध टूट जाता है और बहुत सारा पानी आता है, वो आत्मा जैसा है। जब वो पानी उसमें आएगा तो तुम्हारे नदी के कूड़े कचरे को भी बहाएगा, और वो तो जो पानी बह रहा है पीछे से सागर जाना चाहता है, लेकिन तुम्हारे कूड़े कचरे को वो हटा के नहीं जाएगा बल्कि उसको भी साथ लेके जाएगा। तो तुम्हारे कोई भी कर्म हो, कुछ भी तुम करते हो, वो उसमें तुम्हें सहयोगी बनाएगा, उसमें होशपूर्वक बनाएगा और उससे तुम्हारी यात्रा होगी। तुम्हारी आत्मा का जगन तुम्हें हर जगह सहयोग करता है, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, अध्यात्म हो, प्रेम हो, समाज हो, हर जगह आत्मा का तुम्हारा सहयोग तुम्हें काम देता है। और अगर तुम्हारी आत्मा नहीं जगती, कई बार लोग ऐसे ये भी पूछते हैं कि स्वामी जी हमने ध्यान आज नहीं किया, बड़े बेचैन थे, ये कुछ गलत टाइप का ध्यान, ये ऐसा है कि बार बार तुम माचिस जलाते हो, थोड़ी देर के लिए उजाला कर लेते हो, फिर वो माचिस की तीली बुझ जाती, फिर तुम दूसरी माचिस की तीली जला लेते हो, ये ढंग नहीं है उजाले का। योग निद्रा अगर तुम एक बार करते हो, आत्मा जगती है, वो जगती है तुम्हारे पूरे जीवन को परिवर्तित करेगी, पूरे जीवन को कहना, वो सोती नहीं फिर, वो जगने के बाद, सही से जगने के बाद उसे मालूम चल जाए कि यही तो था मेरा घर, एक बार जगने के बाद फिर वो सोती नहीं और वो तुम्हारे पूरे जीवन को आनंद से भरती है, समझ से भरती है, जिससे तुम्हारे इर्द गिर्द एक शांति फैलती है और तुम्हें जीवन में आनंद मिलता है। तो किसी प्रकार की न चेतना की जरूरत है, न धारणाएं बनाने की जरूरत है, तो सिर्फ प्रयोग उतरने की, करो और जान जाओ। जीवन में 3 दिन बहुत बार तुमने दिए होंगे, हर साल एक वायरल भी तुम्हारे 3-4 दिन खा जाता, तो ऐसा समझ लो कि इस साल योग निद्रा का वायरल आया है, 3-4 दिन के लिए इस वायरल से मित्रता करते हैं और देखते हैं जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तो
इसको करके देखिए जाने से। स्वामी जी कुछ लोगों के गोल्स नहीं है, उन लोगों का ये कहना है कि मैंने कहीं गुरु दीक्षा ली हुई है तो क्या मैं योग निद्रा में आ सकता हूँ, या स्वामी जी कुछ अलग से गुरु दीक्षा देते हैं तो कुछ लोगों को लाइए जो लोग शिव योग से जुड़े हैं या और किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वो साईं बाबा को मानते हैं या उन्होंने किसी और गुरु कोई बना रखा है, तो उनके मन में दुविधा है कि क्या हम योग निद्रा करने आएंगे तो क्या हमें दीक्षा दी जाएगी, या फिर क्या कोई किसी और गुरु से दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति क्या योग निद्रा कर सकता है या नहीं। देखो पहली बात तो ये है कि आप जब दीक्षा लेते हो दीक्षा का क्या अर्थ है, दीक्षा का अर्थ नहीं होता गुरु बनाना, दीक्षा का अर्थ संन्यास का अर्थ एक होता है कि मैं संकल्प लेता हूं मैं अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार होके और अपनी आत्मा को जगाने के लिए एक यात्रा करूं। संकल्प गुरु के प्रति नहीं होता, संकल्प स्वयं के प्रति होता है। हाँ गुरु उसका विटनेस होता है, गुरु उसका गवाह होता है। आप अगर कोई व्यक्ति मुझसे संन्यास लेता है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं विटनेस हूं, और यदि तू अपने रास्ते से भटकेगा तो मैं तुझे याद दिलाऊंगा, मैं तुझे याद दिलाऊंगा कि तुम किस लिए हमसे जुड़े थे। ये याद दिलाना गुरु का काम है, इसके लिए जो है वो हम किसी का सहारा लेते हैं। वो याद दिलाने के कई तरीके हैं, जरूरी नहीं कि वो गुरु आपके पास आके याद दिलाए, वो अपनी माला पहना लेता है आपको, माला से आपको याद दिलाता है कि तुमने मेरे सामने संकल्प लिया था, क्या तुम सही चल रहे हो, क्या तुम ध्यान में जा रहे हो। तो संकल्प तुम्हारा तुम्हारे प्रति, और जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि चाहे किसी भी प्रकार की साधना तुम क्यों ना करो, किसी भी प्रकार की योग निद्रा तक पहुंचे बगैर किसी की साधना कभी पूर्ण नहीं होती। तो मैं ये कह सकता हूं कि तुम भी जो साधना कर रहे हो उसके भी एक दिन अगर पूरे परिणाम आए, अगर जो बीज तुमने अपने गुरु से लिया तुमने उसको सही से पानी दिया, सही से हवा दी, सही से धूप दी, सही से दबाव दिया, तो वो किला फूटेगा और वो किला फूट के एक दिन योग निद्रा तक पहुंचेगा। और यदि मैं तुम्हें उसमें सहयोग करता हूं ले जाने में और जल्द ही वहां तक ले जाता हूं तो इसमें क्या दिक्कत है। हाँ अगर तुम्हें यह दिक्कत है कि तुम्हें कहना पड़ेगा कि मैंने अपने गुरु से नहीं और इनसे किया है, तो मैं तुमसे स्वतंत्र हूं इस बात के लिए, तुमसे कह सकता हूं कि अपने गुरु का ही नाम लेना, यात्रा करो, यात्रा पर जोर है मेरा, मेरा जोर नाम पे नहीं है। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम किसी को जाकर बताना, अगर तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें यह कहती हो कि बता देना तो मैं रोकने को भी नहीं कह रहा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि गुरु के प्रति तुम्हारा कोई संकल्प है, तुम किसी के साधक हो, तो तुम वहां पे मत बताना, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन एक स्वार्थ तो चखो। देखो अगर बहुत सारे गुरु बहुत सारे लोग अलग अलग जगह बैठे तुम्हें बस का टिकट दे रहे, मैं तो इसको बस का टिकट बोलूंगा, कि अगर तुम्हें बस का टिकट दे रहे हैं और हर एक को जो है गौरी शंकर के लिए जाना, तो सारी जगह से बसें जो निकली है वो गौरी शंकर जाने के लिए निकली है, तो मैं भी गौरी शंकर का ही टिकट दे रहा हूं, तो उस टिकट पे अपने गुरु का नाम लिख लेना, बस में बैठ जाओ, किसी बस में बैठ जाओ। और कमाल की बात यह है कि तुम दुनिया में कोई सी भी ध्यान विधि करो, यदि योग निद्रा तुमने एक बात कर रखी है तो अचानक ही उसमें हजार गुना आनंद बढ़ जाता है। ये तो करके देखो भी पता लगेगा, तुम भी तो पहले थे ना जुड़े हुए, तुमने भी तो बहुत सी साधनाएं की थी, किन किन जगहों से गुजर के तुम आए थे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अचानक समझ में और हर चीज में बढ़ोतरी हुई हर चीज। तो मैं बस इतने तुमसे कहूंगा कि तुम किसी भी साधना से जुड़े हुए कोई भी कहीं के भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा जो संकल्प था, जो गुरु को संकल्प तुमने दिया था, वो तुम्हारा संकल्प अपने प्रति था। संन्यास तुम गुरु के लिए नहीं लेते हो, और जिन लोगों को ये लगता है कि वो गुरु के लिए संन्यास लेते हैं वो कहीं भूल गए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है बहुत से संन्यासी सोचते हैं हमने तो संन्यास ले लिया तो गुरु करेगा जो करेगा, नहीं वो भूल में, तुमने संन्यास लिया तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारा पेट भरना है, जब तुम भोजन करोगे तब पेट भरेगा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति। हाँ गुरु की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि
कि वो तुम्हें याद दिलाए रखे। तो यदि तुम्हारा गुरु कोई है और वास्तव में चाहता है कि तुम अंतर यात्रा की तरफ बढ़ो, तो वो तुम्हें सिर्फ एक चीज के लिए बात करता है और वो कहता है कि भूल मत जाना कि तुम किस लिए पैदा हुए। वो ये नहीं कहता कि मुझे मत भूल जाना, ये विधि मत भूल जाना, तो सिर्फ एक ही चीज कहता है, उसको याद बनाए रखना, सतत उसकी स्मृति चलती रहे। तुम किस दिशा से यात्रा करते हो इसका कोई भेद नहीं। और रही बात विधियों की, तो इतना समझ लो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दिया वो भी मीठा है, मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ वो भी मीठा है, और एक मीठे में दूसरा मिल जाता है तो मीठा कम नहीं हो जाता, मीठा बढ़ जाता है। अगर तुमने एक यात्रा आरंभ की है और तुम एक बस में जाते हो, यदि उसमें मैं थोड़ी हॉर्स पावर बढ़ा देता हूँ तो बस थोड़ी जल्दी ही पहुंचेगी, इससे कोई विरोध नहीं हो जाता। विरोध तो तब होता जब मैं तुमसे तुम्हारा ध्यान छुड़ाता होता। मैं तुमसे एक बार भी नहीं कहता हूं कि तुम जो करते हो उसको छोड़ो, मैं कहता हूं सिर्फ योग्यता करके देखो। और रही बात मेरे गुरु दक्षिणा देने की, तो मेरे गुरु दक्षिणा की ये ढंग नहीं, मैं किसी भी प्रकार की तुम्हें गुरु दीक्षा या गुरु दक्षिणा इन चीजों के लिए बाध्य नहीं करता। मेरा तुमसे एक ही संबंध है और वो है प्रेम का। जिस दिन तुम्हें मेरे प्रति प्रेम जगे, उस दिन तो मुझे मित्र कह के गले लगाना, दोस्त कह के गले लगाना, या गुरु कह के गले लगाना, या मेरे पाँव में गिरना, या मेरे सर पे बैठ जाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा तुम्हारा सिर्फ प्रेम का नाता है, बाकी किसी प्रकार के बंधन में कुछ नहीं। और प्रेम का नाता कह रहा हूँ, प्रेम का बंधन नहीं कह रहा, बाकी सभी चीजें बंधन है, वो मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। योर लाइफ योर रूल्स, माई लाइफ My rules, सिंपल सा कंसेप्ट है मेरा। और दूसरी चीज, योग निद्रा करने वाले को ना वस्तुओं की कोई झंझट देता हूँ, ना भोजन का कोई झंझट देता हूँ। कई बार लोग प्रश्न एक और करते हैं, स्वामी जी मैं बड़ा सात्विक भोजन करता हूँ, क्या इससे कुछ इसमें अड़चन? नहीं। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कहते हैं स्वामी जी मैं नॉनवेज खाता हूँ, क्या इससे कोई अड़चन? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग ऐसे भी मिले कि स्वामी जी मैं शराब पीता हूँ, मैंने कोई अड़चन नहीं। यदि तुम शराब भी पीते हो ना, यदि तुमने ठेकेदार से गुरु दीक्षा ले रखी है और तुम्हारा उसको वादा किया हुआ है कि रोज शाम को एक पौवा मारोगे, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मैं तुम्हें भी निमंत्रण देता हूँ, आओ और पौवे को संग लेके आना, पौवा पीना, उसके बाद तुम ध्यान में जाना। अरे कम से कम तुम्हें पौवे का मजा और ध्यान का मजा एक साथ मिले, तो एक साथ दोनों को देखो, तो दो खूबसूरत प्रेमिकाएं जब सामने खड़ी हो तो चुनाव कर सकते हो कौन सी ज्यादा अच्छी है। लेकिन एक प्रेमिका तुम्हारे घर वाली और एक प्रेमिका तुम्हारी बाहर वाली, तो तुम कभी भी इससे मुक्त नहीं होते। तो मैं जब शराबी तक को अस्वीकार नहीं करता तो किसी साधक को अस्वीकार कैसे करूंगा। हाँ इतना जरूर कहना है, जो भी करो जहां भी करो पूर्णता के साथ, यहाँ तो पूर्णता के साथ। ऐसा ना हो कि जब तुम 3 दिन की विधि के लिए आओ और मैं तुमसे कहूं ध्यान का वक्त, तुम कहो मेरे गुरु जी ने तो ये बोला था, अब इस वक्त तो मेरा वो वक्त होगा, फिर वो बात नहीं बन सकती। 3 दिन के लिए आना तो 3 दिन के लिए ऐसे आना कि जैसे पूर्णता से जो मैं जहां वो यात्रा ले चलना चाहता हूँ आप समझ। 3 दिन के बाद मैं आपसे कह रहा हूं किसी भी प्रकार का नियम आपके अंदर नहीं मैं देता हूं, कोई भी नियम नहीं है, आपकी चेतना है, आपको आपकी स्वतंत्रता है, आपकी यात्रा है, मेरा इसमें कुछ नहीं। आप मुझे गुरु कहो तो भी चलेगा, प्रेमी कहो तो भी चलेगा, दोस्त तो भी, किसी भी प्रकार का कोई नियम मेरे पास नहीं है। जिस दिन नियम हो मेरे पास आना छोड़ सकते, कोई मुझे आपत्ति।